अनंत रूपी शिव कांत आ रहा है, शिव कांत आ रहा है, शिव कांत आ रहा है। प्रणाम असुर माता। असुर राज के नाते ना सही, आज एक पुत्र के नाते ही विजयश्री का आशीर्वाद दे दीजिए। आज मैं महादेव से युद्ध कर उन्हें हराने जा रहा हूं, उन्हें हराने जा रहा हूं, उन्हें हराने जा रहा हूं। महादेव अनंत है, ना ही कोई उनका आदि है और ना अंत है। तुम कैसे कर पाओगे महादेव का अंत? मूर्खता मत करो, लौट जाओ शंखचूड़। शंखचूड़ नहीं, असुरराज कहो। वो असुरराज जो कायरों के भांति नहीं, वीरों के भांति महादेव का संहार करने निकला था। यदि मैं मर गया तो बन जाना तुम असुरराज, किंतु ज्ञान मत दो। सावधान महादेव, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं। अपने पग पीछे हटाने के लिए आगे नहीं बढ़ाए महादेव। आज शंखचूड़ और शिव का युद्ध होगा, अवश्य होगा। सृष्टि को शिव हीन कर अपने पिताश्री और तारकासुर के मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा, उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा, उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा। हट छोड़ दो पुत्री, जिन्हें मारने की चेष्टा कर रहे हो वो देवों के देव है, महाकाल है वो। शंखचूड़। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। ये तो किसी स्त्री के सूर्य नमस्कार की ध्वनि है। नंक, तुम शीघ्र ही उस स्त्री के पास जाओ और ब्रह्मदेव का वरदान फलीभूत करो। तब तक मैं शंखचूड़ को रोकने का प्रयास करती हूँ। जाओ पुत्र। जो आज्ञा माता। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम नमः सूर्य देवाय नमः, ओम नमः सूर्य देवाय नमः, ओम नमः सूर्य देवाय नमः। क्षमा कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। किंतु मैंने तो तुम्हें मन भरकर देखा सुंदरी, और तुम पर मोहित भी हो गया हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या? रुको सुंदरी, सुंदरी रुको, मुझे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। रुको सुंदरी। रुको सुंदरी, रुको। कहाँ चली गई है? ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार मुझे सर्वप्रथम यही स्त्री दिखाई दी। परशाली पुत्र की प्राप्ति के लिए मुझे इसे खोजना ही होगा।
ये तो महादेव की डमरू की ध्वनि है। चलो चलकर देखते हैं। क्या बात है महादेव, हम तो कैलाश आ ही रहे थे, फिर आप यहां। क्या किया आपने? युद्ध करना है तो बल से करो, छल से नहीं। नंदी, यदि मुझे तुमसे युद्ध करना होता तो मैं ये छल नहीं करता। मुझे तो केवल मेरे परम शत्रु और तुम्हारे परम प्रिय महादेव से लड़ना है, महादेव से लड़ना है, महादेव से लड़ना है। किंतु महादेव बिना किसी उद्देश्य के कुछ करते ही नहीं है, इसलिए तुम लोगों को बंदी बनाकर मैंने उन्हें उद्देश्य दे दिया है। अब बुलाओ अपने महादेव को और करो सहायता की विनती। महादेव महादेव, शंखचूड़ ये सब आपको युद्ध भूमि में उतारने के लिए कर रहा है। जब तक युद्ध टालने का एक भी मार्ग खुला है, मैं युद्ध भूमि में नहीं उतरूंगा। आइए महादेव और पचाइए नंदे और आपके प्रिय गुणों को मेरे पास से, और कीजिए मुझ पर प्रहार। महादेव से पहले उनके भक्त के वार से तो बचो। युद्ध करो या फिर इन्हें छोड़ दो। मैं केवल महादेव से युद्ध करूंगा, बुलाओ उन्हें। तो फिर मरने के लिए सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ, सज्ज हो जाओ। सावधान शंखचूड़,
जिसे मेरे पास में बंधे शिवगन ने हरा दिया वो मुझे मारेगा। जाओ बालक जाओ और अपने पिता को बुला कर लाओ। एक तुच्छ शिवगण से हारने के पश्चात तुम्हें तो सदा सर्वज्ञ के लिए अपने अस्त्रों का त्याग देना चाहिए। इतना क्रोध, किंतु इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है कि तुम तीनों लोगों में हंसी का पात्र बन गए। और ये सब किया धरा तुम्हारे पिताश्री का है। तो यदि क्रोध दिखाना है तो जाके अपने पिता को दिखाओ। महादेव सुना आपने, आज आपके कारण इस ब्रह्मांड में मैं हंसी का पात्र बन गया हूँ। हंसी का पात्र बन गया हूँ। अपने अस्त्र नीचे कर लो बालक, जिनका उपहास उड़ाया जाता है उनसे भय नहीं लगता। शंखचूड़, तुम ये मत भूलो कुमार कार्तिकेय ने असुरराज ताकसुर का वध किया था। भूलो तो मत नंदी कि ताकसुर को श्राप मिला था जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही लिखी थी, इसलिए कार्तिकेय तारकासुर का वध करने में सफल हुआ और वो भी आदि शक्ति के दिए अस्त्र से। वो बल नहीं भाग्य की जीत थी। और यदि तुम में शक्ति है तो युद्ध भूमि में सिद्ध करो ताकि पूरे संसार में तुम्हारी गिनती शूर वीरों में हो सके। शूर वीरों में हो सके। किसी के उकसाने से, किसी के भी कटु वचनों से स्वयं पर संदेह नहीं करना चाहिए। जगत निंदा तो होती ही हमें गिराने के लिए है, इसलिए हमें स्वयं पर विश्वास कर स्वयं को सदैव ऊपर उठाने का प्रयास करते रहना चाहिए। और जो भी निंदा और प्रशंसा दोनों में ही शांत रहे वो देव तुल्य होता है। देव तुल्य होता है। देव तुल्य होता है।
अपने पुत्र को सांत्वना बाद में दीजिएगा महादेव। पहले मुझसे युद्ध कीजिए, युद्ध कीजिए, युद्ध कीजिए। और यदि मुझे आप हरा पाए तो आपके प्रिय गण नंदी मुक्त हो जाएंगे। सावधान महादेव, सावधान महादेव, सावधान महादेव। महादेव और शंखचूड़ का ये युद्ध सरल नहीं होगा। प्रभु, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है शंखचूड़ की, जो अपने काल से टकराने चला है। शंखचूड़, तुम असुरों में सबसे भिन्न हो। अहिंसा का मार्ग चुना तुमने, देवताओं को संधि पत्र भेजा। तुम हर दृष्टि से आदर और सम्मान के योग्य हो, फिर भी मुझसे युद्ध का हट क्यों? क्यों अपने अंत को आमंत्रण दे रहे हो? क्यों अपने अंत को आमंत्रण दे रहे हो? क्यों अपने अंत को आमंत्रण दे रहे हो? महादेव समझा रहे हैं, शंखचूड़ समझ जाए तो उत्तम है, अन्यथा परिणाम अशुभ होगा। मूर्खता का परिणाम सदैव अशुभ ही होता है, और महादेव के साथ युद्ध करना मूर्खता की पराकाष्ठा। संपूर्ण असुर जात की अनगिनत आशाएं जुड़ी हैं तुमसे। और मेरी आशाएं जुड़ी है तो सिर्फ के संघार से। जब तक मैं अपने परम शत्रु को नहीं मार देता, मैं धैर्य से नहीं बैठ सकता। मैं यहाँ आपका शांति संदेश सुनने नहीं आया हूँ, युद्ध करने आया हूँ आपसे महादेव। युद्ध की मंशा छोड़ दो शंखचूड़, ये ना तो तुम्हारे हित में है और ना ही असुर जाति की। शांति समझौते की लाज रखो, लौट जा। मैं तुम पर प्रहार नहीं करना चाहता। आप क्या मुझे प्राण दान देंगे महादेव? आप जाकर भी मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मेरी पत्नी की पतिव्रता व्रत की ठाल मेरे साथ है, ठाल मेरे साथ है, ठाल मेरे साथ है।
हम सभी कर्मों की बेड़ियों से बंधे हैं। प्रकृति ने मानव को सामाजिक बनाया है, इसलिए समाज में रहकर कर्म करना एक मनुष्य का कर्तव्य होता है। आपने देखा होगा कि जो मनुष्य अपनी खुशी के लिए कर्म करता है वो धन तो अवश्य कमा लेता है, परंतु सफलता और संतुष्टि उसके हाथ कभी नहीं लगती। इसलिए जो भी कार्य करें उसे खुश होकर करें, आप भी प्रसन्न रहेंगे और आपके अपने भी।